फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं मेरे फेवरेट ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल जो ड्राइंग मैंने बनाया है तो वो वाले ड्राइंग मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको कौन सा ड्राइंग अच्छा लगता है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फर्स्ट नंबर पर ड्राइंग है ये क्यूट बेबी का और दो मतलब होल्ड किया हुआ है। तो ये वाला ड्राइंग मेरा पहला ड्राइंग था जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो आप ओवरऑल देख सकते हो तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे मतलब पेंसिल को अप्लाई करना होता है। तो आप बैकग्राउंड देख सकते हो मैंने काफ़ी प्रेशर का अप्लाई करके किया हुआ है, आप देख सकते हो पूरे दोनों साइड। और जितने भी हाइलाइट्स है उसे मैंने नॉर्मल जो इरेज़र होता है उसको मैंने कट करके पूरे हाइलाइट्स दिए हुए हैं। बाद में पता चला कि मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड नंबर पर है आशीष चंद्रानी सर का ड्राॅइंग। तो इस ड्राॅइंग को भी मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो पेंसिल यूज़ करता था तो वो मैं अप्सरा की पेंसिल यूज़ करता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जितनी अच्छी पेंसिल होगी उतना ही अच्छा ड्राइंग बनेगा। तो मैंने ये अप्सर स्टार्टिंग जो ड्राइंग्स की थी तो उसे अप्सरा की पेंसिल से ही बनाया था। तो ओवरऑल ऐसा ड्राइंग बनाया। तो आप देख सकते हो मैंने गूगल्स में भी काफ़ी डिटेलिंग की हुई है। तो थर्ड नंबर पर है रणवीर सिंह सर का ड्राॅइंग। तो इस ड्राॅइंग से मैंने स्टार्ट कर लिया था, आर्ट लाइन की पेंसिल मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो ये पहला ड्राइंग है मैंने आर्ट लाइन पेंसिल से किया हुआ है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल काफ़ी मैंने इसमें डिटेलिंग की है, आप गूगल्स में भी देख सकते हो। तो थर्ड नंबर पे है टाइगर का ड्राइंग। तो इस ड्राइंग को करने के लिए मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है और ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है। तो आप ओवरऑल डिटेल्स देख सकते हो। इसे मैंने बना मतलब रियलिस्टिक बनाने का ट्राई किया था। तो आप मुझे बताइएगा कि ये रियलिस्टिक बना है कि नहीं। और हाईलाइट जितने भी हाईलाइट्स हैं उसे मैंने वाइट जेली रोल पेन का यूज़ करके किया था। मेरे जितने भी ड्राइंग्स हैं उसे बनाने के लिए मुझे काफ़ी समय लगता है क्योंकि जॉब भी होता है। तो मैं मुझे जब टाइम मिलता है तो तभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ड्राइंग को कंप्लीट करता हूँ। तो ये ओवरऑल ऐसा बना था। तो फोर्थ नंबर पर है लॉर्ड कृष्णा और यशोदा माँ का। तो ये मेरा फेवरेट ड्राॅइंग है। तो आप देख सकते हो काफ़ी क्यूट सा ड्राॅइंग है ये वाला। तो लॉर्ड कृष्णा जो है वो काफ़ी क्यूट दिख रहे हैं। तो ये वाला ड्राॅइंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आप देख सकते हो फिगर काफ़ी अच्छा बना है जो मोर पिंच है वो। तो सिक्स नंबर पे है लॉर्ड गणेश का ड्राइंग। तो इस ड्राइंग को करने के लिए मुझे वाइट जेली रोल पेन का काफ़ी मतलब मैंने यूज़ किया था। तो आप देख सकते हो जितने भी छोटे छोटे डिटेलिंग्स है तो वहाँ पे मैंने वाइट जेली रोल पेन का काफ़ी यूज़ किया हुआ है और बैकग्राउंड के लिए मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। तो आपको मैं ओवरऑल जो ड्राॅइंग बना है वो कैसा बना है वो मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो आप ऐसा ड्राइंग बना है, ये काफ़ी अच्छा ड्राइंग बना था। तो आप देख सकते हो ओके। तो सेवन्थ नंबर पे है रामचरण सर और जूनियर एनटीआर सर का ड्राइंग। तो इस ड्राइंग को करने के लिए मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया आर्ट लाइन का पेंसिल का यूज़ किया है, ग्रेफाइट पेंसिल, और बैकग्राउंड के लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। और इस ड्राॅइंग को करने के लिए मैंने A4 साइज़ का शीट यूज़ किया और फर्स्ट टाइम 300 GSM शीट पर मैंने ये वाला ड्राॅइंग किया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। एट नंबर पे ये बड़का ड्राइंग। तो ये ड्राइंग को बनाने के लिए मैंने काफ़ी समय लिया था और थोड़ा थोड़ा करके ये ड्राइंग को मैंने बनाया था। ऑलमोस्ट मुझे 8-9 दिन लग गए थे ये ड्राइंग को करने के लिए। और आप देख सकते हो डिटेलिंग में मैंने मतलब पूरा रियलिस्टिक बनाने का ट्राई किया था। तो आप मुझे बताइएगा कि ये आपको रियलिस्टिक लग रहा है या नहीं, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जो बैकग्राउंड है वो मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से किया है। जब मैंने स्प्रे किया तब ये जो ड्राइंग है वो थोड़ा बिगड़ गया था। तो आप देख सकते हो काफ़ी जगह पे स्पॉट्स हो गए। तो ये लास्ट वाला ड्राइंग है 9th नंबर पे। तो ये ड्राइंग है संजय दत्त सर का। तो आप ओवरऑल देख सकते हो ये पूरा ड्राइंग मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से किया है और इस ड्राइंग को भी करने के लिए मुझे काफ़ी समय लगा था। ऑलमोस्ट मुझे 6-7 दिन तो लग ही गए थे। तो आप पूरी डिटेलिंग्स देख सकते हो। तो ये पूरा मैंने जो ड्राइंग है काफ़ी समय लेके बनाया हुआ है। तो आप पूरा ड्राइंग देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको जो ड्राइंग्स है वो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी ड्राइंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।